महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्रों ने प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह घोष ने कहा, छात्र एक तो जिंदाबाद, छात्र एक तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कैंपस में आप न नारेबाजी कर सकते, हमसे मांग करिए। आपकी समस्या है, क्योंकि मैं तो वह व्यक्ति हूँ कि आपके क्लास में जाता हूँ, आपसे सड़क पे मिलता हूँ। अभी मैं उस बिल्डिंग पर क्लास पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से तुरंत आ रहा हूँ, तो हमको और समय बहुत कम बचा है। तो अगर किसी तरह से आपकी जेन्युइन समस्या, वह समस्या आप श्री भगवान सिंह जी को जो आपके सामने खड़े हैं इनको लिखित रूप से दे सकते हैं, वह वाचनालय की हो, बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या जितने भी हैं कोई भी समस्या अगर कैंपस की तो उसको ठीक करना हमारा और हम सबका काम है, मेरा तो है नहीं व्यक्तिगत, हम सभी का। तो आपके स्तर से आज की तारीख से नोट कर, कभी कोई समस्या आती है तो अगर वह मरम्मत या निर्माण संबंधी है तो उसके ये हैं और ये आपके छात्र संघ के हमारी तरफ से नॉमिनेटेड हैं, तो इनके पास जैसे वह समस्या आप पहुंचा देंगे। तो अगर वह पानी की है, बिजली की है, सर इससे पहले भी हम लोग एक बार समस्या तो बाहरी बच्चे कैंपस में आ रहे हैं, हमको एक चीज बताओ, आप या आपका कोई मित्र उनको बुलाता है तभी तो? नहीं नहीं नहीं, ये भगवान सिंह से पूछो। बच्चों की अपनी समस्या पठन पाठन को ठीक करने के लेकर के है, क्योंकि महाविद्यालय में यूनिफॉर्म लागू है, आई कार्ड की चेकिंग होती है, लेकिन अभी तमाम कार्यक्रमों के कारण कुछ दूसरी संस्थाओं के लोग भी आ जा रहे थे, तो अभी वो विषय इनके समझ में नहीं था, इनको ये लग रहा था कि बाहरी आ रहे हैं, जबकि वो कार्यक्रमों के हिस्सा थे। और अभी दो चार दिन लोग कैंपस में जानकारी लेने के लिए भी आएंगे जाएंगे, तो ऐसे में उनको नहीं रोका जा सकता। हाँ, कक्षाएँ ठीक चलें, इस बात का आग्रह मैंने बच्चों से कर दिया कि बजाय टहलने के, बजाय और करने के, पढ़ाई पर ध्यान दें, और परीक्षाएं चूंकि निकट हैं और समय बहुत कम है, इसलिए पठन पाठन की तरफ ये स्वयं ध्यान दें, और मैं भी ये ध्यान दे रहा हूं कि सारी कक्षाएं ठीक से चलें, और अगर कोई असुविधा इनको होती है तो उसका संज्ञान मैं स्वतः लेता हूं। और दोनों परिसरों में हमारा, चूंकि एक सबसे बड़ी समस्या हमारी आती है कि हमारा कैंपस दो परिसरों में है, एक ईस्ट एक वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट के कारण हमारी उपस्थिति एक जगह ही हो पाती है, लेकिन दोनों जगह हमारे प्रभारी हैं और वो प्रभारी लोग जो है इसको देखते हैं। तो वहाँ पर पूर्वी परिसर में मैडम मीना गोपाल जी हैं, पश्चिमी परिसर में डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी हैं और डॉक्टर सत प्रभा सिंह जी हैं, तो बच्चे अब आगे से उनको संपर्क कर लेंगे, इनकी बात रहती है और प्रिंसिपल से इनको बात अपनी कहनी चाहिए। ये मेरे कैंपस की सबसे बड़ी खूबी है कि मेरा विद्यार्थी, चाहे वो कोई छात्र हो या छात्रा, वो सीधे अपने प्रिंसिपल से जुड़ता है और प्रिंसिपल की बातों को सुनता है, और यही कारण है कि हमारा अनुशासन, मैं कह सकता हूँ कि किसी से भी 19 नहीं, बेहतर है, और मेरा विद्यार्थी उसमें काम करता है। हाँ, थोड़ी कहीं इनको दिक्कत महसूस हुई होगी तो इनको लगा होगा कि हमको अपने प्रिंसिपल से बात करना चाहिए। हाँ, एक तरीके से मेरा सहमति नहीं था, मैंने कहा कि आगे से कोई भी दिक्कत है तो आप लिखित दे दें, मौखिक कह दें, अगर उस पर काम नहीं होता है तो हमसे वार्ता कर लें। उसके बाद के स्टेप हैं, जब आप ग्रुप में आएँ, जब आप नारे लगाएं, ये सब चीज़ों से कैंपस को बचाना चाहिए, और लीडिंग क्वालिटी बच्चे में आए, ये हम भी चाहेंगे कि हमारा बच्चा अपनी बात को ठीक से कह सके, हम उसको दबाएं नहीं किसी कारण पर, लेकिन हम उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, ये हमारा काम है। किस तरह नारेबाजी लगाना नहीं, ये इसके लिए मैंने बच्चों को अभी वार्निंग दे दिया, मैंने कहा कि आगे से अगर ये गतिविधियाँ होती हैं तो ये सब हम मेरे जाने पहचाने हैं, सबका आई कार्ड मेरे पास है,
इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन कार्रवाई करने के पहले एक चेतावनी देना मेरा काम है, क्योंकि इनको जो समझ में आया इन्होंने किया, हाँ वो गलत किया, मैं उसको किसी भी तरह से ठीक नहीं कह सकता, और यह अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, के बावजूद एक बार इनको ठीक करना भी हमारा धर्म है। वो कहीं किसी हिस्से में, क्योंकि समाज में जो तमाम सूचनाएं इनको मिलती हैं तो इनको लगता है कि ऐसे भी करें तो हम हाईलाइट होंगे, तो बच्चा तो वही है ना, जब बड़े बड़े लोग हाईलाइट होना चाहते हैं तो वो करता है, लेकिन उसको ठीक करना हमारा काम है, गलती किया है।